ये व्हाट्सअप एवरीवन, दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है और मैं कैसे बैठा हूँ। यस, सोचा यहाँ पे वीडियो बनाया जाए, बहुत सही लग रहा है मेरे को। और नहीं तो क्या, देख सकते हो मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। तो दोस्तों ऐसा है कि आप सभी को पता है कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विद परमानेंट कोलोस्टोमी, और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इसी कंटेंट के ऊपर वीडियोस डालता हूँ। तो यार जिसको भी इंटरेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो रिसेंटली किसी मेरे एक सब्सक्राइबर ने या किसी ने व्यूअर ने मुझे पूछा था कि आप कोलोस्टोमी बैग कितनी बार दिन में आप कितनी बार इसको एम्प्टी करते हो, खाली करते हो, और कितनी बार इसको हफ्ते में चेंज करते हो, या क्या है आपका प्रोसीजर, ताकि हमको भी आइडिया मिले, हम भी ऐसा कहीं ना कहीं हम भी कुछ कुछ चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं आपको इस चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कोलोस्टोमी पेशेंट हूँ, और मैं कितनी बार बैग एम्प्टी करता हूँ दिन में, कितनी बार खाली करता हूँ, ये इसका जवाब अलग होगा, और जो इलियोस्टोमी पेशेंट होते हैं उनका जवाब थोड़ा अलग होगा, उनका तरीका अलग होगा, वो दिन में कितनी बार एम्प्टी करते हैं वो कम्प्लीटली अलग होगा। तो मैं कोलोस्टोमी पेशेंट हूँ तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, इलियोस्टोमी के बारे में भी बताऊँगा मैं। तो दोस्तों ऐसा है कि क्योंकि मैं कोलोस्टोमी पेशेंट हूँ तो मेरा जो स्टूल होता है, जो लैटरिंग होता है, वो इतना ज़्यादा पतला नहीं होता, नॉर्मल जैसे इंसान का होता है थिक, वैसा ही आता है। तो वो बैग में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बार बार आके भर जाए बैग। तो मुझे कुल मिला के दिन में एवरेज 2 या 3 बार मैं बैग एम्प्टी करता हूँ। एक तो सुबह जब मॉर्निंग में अपना रूटीन के बाद में कुछ बैग में भर जाता है स्टूल तो मैं खाली कर देता हूँ, और सिमिलरली पूरे दिन में थोड़ा जमा होके रात में मैं सोने से पहले खाली कर देता हूँ। सोने से पहले मैं इसीलिए खाली करता हूँ क्योंकि सोते वक्त थोड़ा कंफर्ट रहे, थोड़ा इधर विधर हम करवटें लेते हैं तो इसीलिए कोई दिक्कत ना हो। यस, देख सकते वीडियो में डिस्टर्ब कर रहे थे तो भगा दिया मैंने। तो ये कम्प्लीटली इलियोस्टोमी पेशेंट होता है उनका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि दोस्तों इलियोस्टोमी पेशेंट का जो स्टूल होता है वो पतला आता है, क्योंकि उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से उनका रास्ता दिया गया है तो उसमें ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसमें दिन में आपको बहुत बार कभी कभी जाना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। तो कुल मिला के उसमें बहुत लोग को 7-8 बार 10 बार बहुत बार ऐसा देखा गया है, उतना करना पड़ता है। तो ये इलियोस्टोमी पेशेंट की बात है, तो ऐसा होता है। पर दोस्तों इलियोस्टोमी हो या कोलोस्टोमी हो, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आपको बैग एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी बोल सकते हैं, या तो हमारा सर्जरी फ्रेश है, या तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी सारी चीज़ें आपका डाइजेशन सही नहीं रहता उस वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से या तो सर्जरी की वजह से, उस वक्त आपको ज़्यादातर बैग एम्प्टी करना पड़ेगा, मतलब खाली करना पड़ेगा। और कुल मिला के हफ्ते में मैं 3 या 4 बार और दोस्तों बैग में कितनी बार चेंज करता हूँ हफ्ते में, मुश्किल से 4 या 5 दिन मेरा एवरेज बैग चलता है। 1 पीस यूज़ करता हूँ मैं, कोलोप्लास्ट का 17501 मॉडल नंबर है, उसको मैं यूज़ करता हूँ और चल जाता है ठीक ठाक। 2 पीस बैग यूज़ नहीं करता मैं, 1 पीस ही यूज़ करता हूँ। कुत्ता भी आ गया मेरे वीडियो देखने। ये खास बात है यहाँ पे नेचर के साथ में वीडियो बनाने का। तो यार देखा, तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा जो मैं बताना चाहता था, कि दिन में कितनी बार आप एम्प्टी करते हो और बैग हफ्ते में कितनी बार चेंज करते हो। तो होपफुली आंसर मिल गया होगा
कोई भी सुझाव हो दोस्तों, ऐसे ही कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो। कॉल मत किया करो, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लिया करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और चैनल से जुड़े रहो, इम्पॉर्टेंट चैनल है ऐसे ही, और क्या बोलूँ, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। चलो टेक केयर एंड गुड बाय, देख लो।